फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एकदम न्यू यूट्यूबर के लिए। देखिए फ्रेंड्स अभी 2020 पे अगर आपका चैनल पे बहुत ही फास्टली आप 1000 सब्सक्राइबर कैरी करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो पे मैं बात करूंगा। और इस वीडियो पे मैं कुछ ट्रिक्स के बारे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूं, तो उस ट्रिक्स को अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका चैनल पे बहुत ही जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर कैरी कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन ट्यूब, मैं प्रियंका आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स मेरा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए और उसके पास नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहां पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप एकदम न्यू यूट्यूबर हैं तो एक चीज सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आते हैं वो है फ्रेंड्स फास्ट 1000 सब्सक्राइबर्स कैरी करना। और ये 1000 सब्सक्राइबर्स अगर आप कैरी कर सकते हैं आपका चैनल पे तो आपका चैनल थोड़ा बहुत ग्रो कर जाते हैं और आपका वीडियोस पे थोड़ा बहुत व्यूज आना चालू हो जाते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप सोचते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स कैरी होने के बाद आपका चैनल पे बहुत सारा व्यूज आना चालू हो जाएगा आपका वीडियोस पे, तो ये सही नहीं है। आपका वीडियोस पे आपका एक एवरेज अगर आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो आप देखेंगे कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपका वीडियोस पे 24 या 25 या 50 ऐसा अराउंड आपका वीडियोस पे व्यूज आते हैं और उससे ज़्यादा नहीं आते हैं अगर आप एवरेज निकाले। तो फ्रेंड्स अभी आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा व्यूज आप कैसे ला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी कंटेंट बहुत ही अच्छा होते हैं, अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही अच्छा होते हैं आपका कंटेंट पे, तो आपका वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज आएगा। इवन फ्रेंड्स उसके लिए फ्रेंड्स आपको कुछ ट्रिक्स आपको अप्लाई करना है। और अगर आप 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्यूज की जरूरत होगा, क्योंकि अगर आपका वीडियो सर्चिंग में नहीं आएगा, अगर लोग पसंद नहीं करेगा और अगर आपका वीडियोस पे व्यूज ज़्यादा नहीं आएगा तो आपका सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका वीडियोस पे व्यूज आना भी बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स अभी आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए फ्रेंड्स मेरा पहला जो ट्रिक्स है जो मेरा खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, वो है फ्रेंड्स आपको 10 बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक आपको ढूंढना है और उसके ऊपर आपको वीडियो बनाना है। हो सकते हैं कुछ अलग कैटेगरी का हो सकते हैं वो वीडियो, लेकिन उस कैटेगरीज के ऊपर ही आपको वीडियो बनाना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जो दिखता है वही बिकता है एक बात है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको भी उसके ऊपर वीडियो बनाना है और उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको अपलोड करना है। और फ्रेंड्स मैं डेफिनेटली एक कह सकता हूँ अगर आप इसके ऊपर मतलब जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर अगर आप 10-15 वीडियो आपका चैनल पर डाल देते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आना चालू हो जाएगा। इवन आपका जो सब्सक्राइबर्स है वो भी बढ़ना चालू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर्स कैरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सेकेंड बात करता हूँ आपका कैटेगरीज के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स आपका चैनल पे आप हो सकते हैं एक ही नीच के ऊपर आप चैनल ओपन किया है और वहाँ पे आप हो सकते हैं कि आप कुकिंग के ऊपर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्या हो सकते हैं आप यूट्यूब के टिप्स के ऊपर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हो सकते हैं कि आप इंग्लिश लर्निंग के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हो सकते हैं फोटोग्राफी के ऊपर कर रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक हो सकते हैं आपका। और आपका जो कैटेगरी से वो भी आपका सिलेक्टेड है, हो सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हो सकते हैं आपका कुकिंग है, हो सकते हैं पीपल एंड ब्लॉग है, तो कोई भी टॉपिक के ऊपर मतलब कैटेगरीज के ऊपर हो सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप 2 वीडियो आप एक कैटेगरी के ऊपर अपलोड कीजिए, उसके बाद कैटेगरी को चेंज कीजिए और उसका कंटेंट को भी चेंज कीजिए। मतलब एक बार आप कुकिंग वीडियो अपलोड करके देखिए, दूसरे बार आप कोई भी एक ब्लॉगिंग वगैरह जो होते हैं लाइफस्टाइल वगैरह होते हैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कीजिए, दूसरा हो सकते हैं आप कोई भी ब्यूटी टिप्स के ऊपर वीडियो अपलोड कीजिए, तो ये कुछ रिलेटेड टॉपिक है तो इसके ऊपर अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आपका चैनल ग्रो करने लगेगा, मतलब आपका चैनल पे व्यूज आना चालू हो जाएगा और उसी टॉपिक के ऊपर आपको मतलब कंटिन्यू करना है। दूसरा मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, जो लोग टेक्निकल चैनल ओपन कर रहे हैं, हो सकते हैं कि आप मोबाइल रिव्यूज़ के ऊपर वीडियो कर रहे हैं, हो सकते हैं कि आप कोई भी जो टेक न्यूज़ है उसके ऊपर वीडियो कर रहे हैं, हो सकते हैं कि आप कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो कर रहे हैं, हो सकते हैं कि आप कोई भी फोटोग्राफी के ऊपर वीडियो कर रहे हैं, तो ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कैटेगरीज है उसके अंदर पढ़ते हैं। वो सभी टॉपिक के ऊपर आपको एक एक वीडियो डालना है और आप 4-5 वीडियो डाल के उसके बाद देखिए कि कौन सा वीडियो पे आपका ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। जिस टॉपिक के ऊपर आपका ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा वीडियोस बनाइए और उसी को कंटिन्यू कीजिए। और उसके बाद बात करता हूँ फ्रेंड्स अभी 2020 पे अगर आप आपका चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई करना है, मतलब आपका वीडियो अपलोड करने का जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको ज़्यादा करना है। देखिए फ्रेंड्स पहले अगर आप वीकली 1 वीडियो या 2 वीडियो करते थे तो हो जाते थे, लेकिन अभी 2020 पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन लेवल हाई होने वाले हैं और यहाँ पे यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो
भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि YouTube पे जाके अगर आप कोई भी तीन चार टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो सर्च करते हैं तो सिर्फ आपको YouTube वही टॉपिक के ऊपर ही रिकमेंड करते हैं, दूसरा टॉपिक के ऊपर रिकमेंड नहीं करते हैं। इवन फ्रेंड्स आपने देखे होंगे कि आप एक चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके बाद उस चैनल का कोई भी वीडियो को आप एक वीक के दो वीक के लिए नहीं देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि YouTube आपको वही चैनल का कोई भी वीडियो वो चैनल अपलोड कर रहे हैं लेकिन उसका कोई भी वीडियो को आपको सजेस्टेड नहीं कर रहे हैं, इवन आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ब्राउज फीचर है, पहले भी था अभी भी है। तो इसके हिसाब से अगर आप आपका चैनल पे ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं करते हैं, डेली वीडियोज़ अपलोड नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका वीडियो को रिकमेंड नहीं करेगा यूट्यूब, बाद में बंद कर देगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कैरी करना चाहते हैं तो डेली 1 या 2 वीडियो आप जरूर अपलोड कीजिए। और फ्रेंड्स नंबर 4 जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और मैं यूज करता हूँ और आप भी यूज कर सकते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा भी हो सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका टॉपिक के रिलेटेड जो जो बिग बिग चैनल्स है उन सभी चैनल्स का जो वीडियोज़ है, जो वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं उस वीडियोस पे जाके आपको कमेंट करना है विद हैशटैग, मतलब आपका चैनल का हैशटैग उसके साथ आपका चैनल का नेम। तो ये डाल के अगर आप कमेंट करते हैं तो अगर कोई भी बंदा आपका चैनल पे जाना चाहते हैं तो हैशटैग के ऊपर जब भी क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो आपका जो वीडियोस है या आपका जो चैनल है वहाँ पे चला आएगा। और फ्रेंड्स और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे न्यू यूट्यूबर जो गलती करते हैं वो फ्रेंड्स जब भी कमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे बोल देते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब क्या करते हैं आपका जो कमेंट है उसको अंडर रिव्यू में डाल देगा, क्या वहाँ पे जो ओनर है चैनल का ओनर है वो आपका जो कमेंट है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स वहाँ पे आप सिर्फ आपका जो वीडियो आप वीडियो का नीचे आप कमेंट कर रहे हैं उसी वीडियो का बारे में आप वहाँ पे लिखिए कि आपका वीडियो अच्छा है, गुड वीडियो नाइस प्रोडक्ट, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो चैनल का जो ओनर है वो अगर आपका कमेंट को देखते हैं तो वो आपका कमेंट को लाइक भी कर सकते हैं, इवन हार्ट जो लाइक होते हैं वो भी आपका कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी गलत कमेंट मत कीजिए और बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए और इस ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीडियोस पे व्यूज आना चालू हो जाएगा। और फ्रेंड्स लास्ट जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका चैनल का नेम जो है उसी नेम के ऊपर आप जितना सारा सोशल मीडिया है उन सभी सोशल नेटवर्क्स पे आप एक पेज क्रिएट कीजिए। फेसबुक पेज हो सकते हैं, ट्विटर पेज हो सकते हैं, क्या लिंक्डइन पेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो सभी जितना सारा आपका है जैसे कि रेडिट है, पिंटरेस्ट है, तो जितना सारा सोशल नेटवर्क है उन सभी पे आप एक पेज क्रिएट कीजिए, वहाँ पे बिजनेस पेज क्रिएट कीजिए और उसके बाद वहाँ पे आपका चैनल पे जितना सारा वीडियोस आपने डाल रहे हैं उन सभी वीडियोस को आप वहाँ पे शेयर कीजिए और देखेंगे कि वहाँ से बहुत ही अच्छे एक्स्ट्रा व्यूज आप कैरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स और एक जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, weebly.com एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल ब्लॉगर पे ब्लॉग क्रिएट करते हैं वैसे तरह फ्री है और यहाँ पे आप एकदम वेबसाइट एकदम मतलब प्रोफेशनल जो वेबसाइट होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फ्री टेम्पलेट आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसको यूज़ करके आप आपका ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे आपका चैनल के पे जितना सारा आपका वीडियोज़ है उन सभी वीडियोज़ को आप वहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं वेबली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे तो अगर आपका वेबली का कोई भी पेज है तो वो पेज वहाँ पे सर्च में आ जाते हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट का जो पेज है वो सर्च में आते हैं गूगल पे सर्च करेंगे जब भी, और वेबली का भी आ जाते हैं। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रिक्स है, मैं यूज़ करता हूँ और मेरा व्यूज़ पे अच्छा खासा व्यूज़ आ जाते हैं, तो आप भी इसको यूज़ कीजिए। और इसके लिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है, फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे इतना ही, अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपका मन में कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मेरा वीडियो का नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपका फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।